भाई पूरा का पूरा खतरनाक से जा रखा है यार ये तो। सबसे पहले उबर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी सूम बच्चे जो इंडिया से आए हैं बेचारे, ऐसे पेट्रोल भर भर के इतनी महंगी महंगी गाड़ियां चला के बेचारे गुजारा कर रहे हैं अपनी, पता नहीं $4 मिल रहे हैं और ये हम। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू YouTube चैनल तेरा व्लॉग्स ऑफ यस इंडिया। आज मैं बढ़िया हूं। तो अभी बज रहे भाई सुबह के नहीं दिन के दो। हां बोल भाई, क्या कहने चाहता है? क्या किया था ये इंट्रोडक्शन था ऐसा इंट्रोडक्शन गायब हो जाता है इंट्रोडक्शन इलाडा लगा आधा इंट्रोडक्शन गायब हो गया। तो आज हम आपको करके दिखाएंगे उबर, गाड़ी में उबर करके दिखाएंगे। गाड़ी से जा रहे हैं उबर करने, डिलीवरीज करने, बट सबसे पहले उबर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है गाड़ी, और गाड़ी से भी ज्यादा जरूरी है फिर उससे बाद में गाड़ी में जरूरी है पेट्रोल। तो अभी हम आए हैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने में। ऐसे गाड़ियां खड़ी रहती है एक्सपेंसिव हर जगह। ये देखो यहाँ के पेट्रोल पंप ऐसे होते हैं, यहाँ पे खुद ही आपको गाड़ी लगानी है और खुद ही पेट्रोल भरना है। अभी मैं अंदर जाऊंगा पेमेंट करने, अगर कैश करनी है तो अंदर पेमेंट करनी पड़ती है काउंटर पे, और अगर कार्ड करना है तो सीधा वहीं टैप हो जाता है। गाइस यहाँ पे ऐसे खुद पेट्रोल भरते हैं। ये देखो ये मासूम बच्चे जो इंडिया से आए हैं बेचारे, ऐसे पेट्रोल भर भर के इतनी महंगी महंगी गाड़ियां चला के बेचारे गुजारा कर रहे हैं अपना, है मसल कार चलानी पड़ रही है इनको। ये घर पे मस्टैंग खड़ी है, क्या यार क्या जिंदगी है यार तेरी, बर्बाद हो गया ना यहाँ के, बिल्कुल बर्बाद हो गया भाई यहाँ के। ऐसे पेट्रोल भरा जा रहा है, कितने डॉलर का है? 40 का ना अपना? हाँ 40। उसने कॉइन्स गिने मेरे को, है ना, कह रही वो मेरा मुंह देख रही, मैं 2-5 डॉलर के नोट लेके बाकी कॉइन्स ले गया, वो मेरा मुंह देख रही है वो बेचारी बैठ के एक एक कॉइन गिन रही, $1, $2, $3 और किसी काम ही नहीं आते। पेट्रोल के काम आते हैं, पेट्रोल के और प्रेस्टो के, हाँ दो ही काम आते हैं और वो इतने जाते हैं। हाँ या फिर थोड़ा बहुत डोलोरामा या ऐसे स्टोर्स में काम आया, वहाँ भी नहीं आते। चल मेरे लिए आ जाते हैं वॉलमार्ट में, मेरे जैसा निकलता ही एक भी स्कूटर का पैकेट लेके $2 का तो आ जाते हैं। सबसे पहला ऑर्डर है हमारा यहाँ से ईट शॉप से, टिफिन प्रोस से, ऑर्डर भी यहीं से है जमैका आइलैंड से, एकदम पास पास में ही ऑर्डर आ गए हैं, एक साथ ही पिकअप कर लेंगे। एक और ऑर्डर उठा लिया है और इसके हमें मिले हैं लाइक $3-4 मिल रहे हैं, और ये हमें 7-8 किलोमीटर दूर डिलीवर करके आना है। यहाँ पे ऐसे बार बार इन्हें नेविगेटर देख के पूरा रास्ता देखना पड़ता है, कि यहाँ तो इंडिया वाला हिसाब तो है नहीं अपना, कि यहाँ भाई बरनाला रोड से ये वाला रोड पे आने वाला है। हेलोवीन देखो भाई कैसे सजा देते लोग घरों के आगे, इधर भी भूत खड़ा है उधर भी बड़े वाला भूत खड़ा है, मान लो वो पूजते हैं पार्वती माता को बुलाते, शिव जी को बुलाते, कृष्ण जी को बुलाते, ये भाई साहब भूत बुलाते हैं, क्या चल रहा है कनाडा ब्रो, क्या चल क्या रहा है ये? इनका फेस्टिवल है ब्रो। सही बात है यार, फेस्टिवल को रिस्पेक्ट करना चाहिए जैसा भी फेस्टिवल हो, अब चाहे वो काला जादू या कुछ भी हो, आपा क्या कह सकते हैं। देखो एक और घर भाई, यहाँ पे भी ये हड्डी खड़ी है, और भाई पूरा का पूरा खतरनाक सजा रखा है यार ये तो। ओ तेरी भाई साहब, मकड़ी के जाले प्रदीप ब्रो, ये क्या करना चाहते है ये भाई? ऐसे होता है अब यहाँ पे ऑर्डर छोड़ के और मैं इसकी फोटो लेके डोर पे लीव करके क्लिक करके ऊबर पे सबमिट कर दूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। जो ऑर्डर होगा ना वो अब अपने आप उठा लेगा बाहर से अपने घर के, हमारा काम सिर्फ इतना होता है कि छोड़ के जाओ, पर कहीं कहीं पे होता है मीट एट डोर। वो सामने किसी ने पेड़ पे चुड़ैल टांग रखी है। गाइस अभी हम 2-3 डिलीवरी करके एक बार वापस आ चुके हैं 3 बजे घर पे, थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे उसके बाद थोड़ी देर जिम जाएंगे, वैसे मैंने जिम ज्वाइन किया, जिम से आने के बाद फिर जाएंगे दोबारा डिलीवरी करने। इस अभी घर पे आके हम हो चुके हैं जिम के लिए रेडी, चेंज कर लिया, अब फटाफट से जिम चलेंगे। प्रदीप तो पहले ही चला गया, हमने सिर्फ बनाना शेक किया कुछ जिम, और अभी यहाँ पे लगेगी हमारी की के, देखो ऐसे इलेक्ट्रिक सिस्टम है यहाँ पे सारा का सारा। देखो अभी अभी सुनील भैया लगाएंगे बेंच प्रेस, कम वेट नहीं है सुनील भैया? कम है यार। तो गाइस अभी डोले शोले बना के, सॉरी डोली शोली बना के हाल फिलहाल तो निकल चुके हैं, अभी घर जाएंगे फिर उसके बाद थोड़ा बहुत रेडी शेडी होके फिर निकलेंगे दोबारा उबर के लिए। अब हम जिम से आके और खा पी के दोबारा निकल गए, भाई टाइम ही नहीं लगा, खाना पीना दिखाता और उसमें फिर लेट हो जाते, तो बस हमें 5-10 मिनट लगे फटाफट खा के और निकल गए हैं। अभी दोबारा से उबर के लिए निकले, अब डिलीवरी आते ही फिर से डिलीवरी करेंगे। भाई जब तक थोड़े बहुत ऑर्डर आते हैं तब तक मैं आपको थोड़ा उबर के बारे में बता देता हूँ। उबर बहुत बढ़िया लगा मेरे को, तो उबर डाउनलोड करो सबसे पहले एंड उसके अंदर जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी फिल कर दो, आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में पूछेगा उसमें बता देना अगर है तो, हाँ
नहीं है तो ना। एंड उसके बाद वो थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछेगा, आप पुराना एड्रेस ये वो, उसमें नो नन ऑफ अबव कर देना। अगर कुछ लगे आपको कि ये वाला अबव है जिसमें हाँ यहाँ पे मैं रहता था या ऐसा मैंने किया था वैसा मैंने किया था, तो वो फिर उस हिसाब से आप उसको जवाब दे सकते हो। एंड ऊबर होती है दो तीन टाइप से, कितने कितने टाइप से होती है भाई? एक होती है ड्राइव, वॉकिंग भी होती है, वॉकिंग भी होती है, बाईसाइकिल पे होती है और गाड़ी पे भी होती है। हम कर रहे हैं गाड़ी पे, ठीक है, हम कर रहे हैं ऊबर ऑन कार। ऊबर पैसेंजर वाली भी होती है, पैसेंजर वाली भी चार टाइप की होगी, मतलब उसमें उसमें पैसेंजर को छोड़ना होता है। ये ऊबर ईट्स है जो हम कर रहे हैं, मतलब यहाँ से डिलीवरी, मतलब जोमेटो वाला मान लो काम, यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह अपना ऑर्डर पहुँचाना है। और उसके मतलब कभी $3 का ऑर्डर आ जाता है, कभी $4 का भी आ जाता है, कभी $10 का भी आ जाता है। $10 के मतलब कभी कभी आते हैं, नॉर्मल से रहते हैं, वरना मैक्सिमम तीन चार पाँच छः इसके आसपास का डॉलर का रहता है। और मान लो अपनी गाड़ी में डलवाओ $25-30 का तेल और फिर अपना 6-7 घंटे घुमाओ, और मान लो उसके अंदर आप $100-$150 कमा सकते हो आराम से। अगर अच्छी टिप मिल जाए तो 200 भी हो जाएंगे, टिप ना मिले तो 100 पे भी रह जाएंगे। तो भाई उसके बाद ऑर्डर आया ही नहीं एक्चुअली में, एंड ऑर्डर क्या नहीं आया, घर पे भी थोड़ा बहुत काम आ गया था, तो फिर हम वापस ही आ गए हैं घर पे। और अभी मतलब उबर में मेरे आज लाइक मेरे को जितने भी बने, एक बंदे ने $8 की टिप दी, $8 की टिप लाइक इज गुड थिंग, ठीक है, तो $8 की टिप मिलना एक अच्छी चीज़ है। बाकी टिप मिलती रहती है ऐसे कामों में, या फिर रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ भी टिप दे जाते हैं कई बार, जो यहाँ के वाइट पीपल होते हैं, या फिर कई बार इंडियंस भी दे जाते हैं टिप्स। तो टिप का कुछ नहीं पता भाई, टिप कहीं पर भी मिल सकती है। अगर आपको मतलब अगर आपने अच्छी सर्विस दी है किसी को भी, मतलब खाना बढ़िया पहुँचा दिया, जल्दी पहुँचा दिया, तो टिप मिलेगी ही मिलेगी। बाकी और मैं दो तीन चीज़ें बताता रहूँगा। और किसी ने मेरे से कमेंट में पूछा था कि भाई हेयर ड्रेसर का क्या लाइक कितना स्कोप है यहाँ पे हेयर कटिंग का, तो अच्छा स्कोप है भाई, स्किल कोई भी हो जरूर सीख के आना, स्किल के बहुत स्कोप है, कैसी भी स्किल हो, हेयर ड्रेसर, प्लम्बर या फिर कुछ भी हो, इलेक्ट्रिशियन हो, कुछ भी हो, जो भी हो सीख के आना यहाँ पे। अगर आपको स्किल आती है अच्छे से जल्दी जॉब मिल जाएगी, ठीक है। बाकी अगर और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिख देना। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।